आज पंचतत्व में विलीन हो गए भारत के सच्चे रत्न श्री रतन टाटा जी। उनके अंतिम दर्शन करने एवं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने आए कई नेता और अभिनेता। श्री रतन टाटा के निधन से बॉलीवुड के सेलेब्स आए सदमे में, सोशल मीडिया के जरिए अपना दुख किया जाहिर। रतन टाटा के सम्मान में दिलजीत दोसांझ ने उठाया बड़ा कदम। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिलजीत ने रोक दिया अपना कॉन्सर्ट। तृप्ति डिमरी ने किया बड़ा खुलासा। रिपोर्टेडली उन्होंने बताया कि जब बुलबुल में सिंह की शूटिंग चली थी तब उस फिल्म के डायरेक्टर अन्विता दत्त गुप्तन रोने लगी थी और उनसे माफी मांगने लगी थी। उन्होंने कहा, मेरे डायरेक्टर हर सीन के बाद आती और मेरे पास बैठ कर रोती। वो मुझसे माफी मांगती, मुझसे कहती माफ कर देना, मैं तुम्हें इस तरह की सिचुएशन में डाल रही हूं, लेकिन ये बस फिल्म के लिए है। जया बच्चन, रानी मुखर्जी, काजोल और रणबीर कपूर समेत कई सितारों ने मनाया दुर्गा पूजा। दुर्गा माँ से लिया आशीर्वाद। सासू माँ नीतू कपूर ने देखी आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा। आलिया की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाई नीतू, साथ ही उन्होंने फिल्म को 5 स्टार की रेटिंग भी दे दी। नेपोटिज्म पर बड़ी बात कह दी राधिका मदान ने। उन्होंने कहा कि स्टार किड्स को सिखाने के लिए 2-3 फिल्में ऐसी मिल जाती हैं, लेकिन आउटसाइडर्स को नहीं। उन्होंने कहा, लेकिन जब हम जैसे एक्टर खुद को साबित नहीं कर पाते तो हमारे लिए ये होता है कि हमने आपको मौका दिया और आप नहीं कर पाए तो आप बाहर हो गए। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पहुंचे हाई कोर्ट तक। रिपोर्ट्स के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के नोटिस को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी है शिल्पा और राज ने। समांथा रुद्र प्रभु ने आलिया भट्ट की जमकर तारीफ की। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा, आलिया इस पीढ़ी की सबसे महान एक्ट्रेस है, सिर्फ एक और एक ही आलिया है। रतन टाटा के निधन से बेहद दुखी हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, सुनिए उन्होंने क्या कहा। I had a very good close intimacy with him. Always he is talking about the nation. He proved it. He is a rare businessman. Doing business is one angle, and doing business with ethical is very important. He has kept that all his life through. Thank you.